दोस्तों आपका स्वागत है हिम टुडे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि एचपी फॉरेस्ट गार्ड के रिलेटेड एक नई एडवर्टाइजमेंट आने वाली है, तो एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है। उसमें हम आपको बताएंगे कि हिमाचल में जो फॉरेस्ट गार्ड की 113 वैकेंसी निकली हैं उसमें कैटेगरी 22 क्या वैकेंसी रहेंगी और अप्लाई आप कैसे कर सकोगे, इसमें ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे अप्लाई करोगे, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी, तो देखते रहिए। दोस्तों अगर आप नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें ताकि आपको हिमाचल से जुड़ी हर खबर और नौकरी की जानकारी सबसे पहले मिले। तो दोस्तों सबसे पहले आपको हमीरपुर सर्कल की बात बता देते हैं कि वहाँ पे कितनी वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पे आप जनरल में देख सकते हो टोटल 3 वैकेंसीज हैं, और 3 वैकेंसीज हैं जनरल में, जनरल यानी कि अनरिजर्व में। उसमें भी कैटेगरी आती है, EWS आती है या DP जन एक्स सर्विस मैन होमगार्ड। तो टोटल मिला के 6 वैकेंसीज हैं जो कि EWS की एक है, होमगार्ड की एक, एक्स सर्विस मैन की एक है और 3 है अनरिजर्व। और SC में इसमें टोटल 4 वैकेंसीज हैं, ST में एक वैकेंसी है, OBC में 3 वैकेंसीज हैं। तो दोस्तों कुल मिला के यहाँ पे 14 वैकेंसीज है हमीरपुर सर्कल की जो हम बात कर रहे हैं। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि बहुत सी गर्ल्स कमेंट कर रही थी कि उसमें गर्ल्स के लिए अलग से वैकेंसी आएंगी या अलग से वैकेंसी है, तो यहाँ पे कोई भी अलग वैकेंसी नहीं है गर्ल्स के लिए। अगर आप कैटेगरी में है, जैसे कि कोई गर्ल अनरिजर्व्ड है यानी कि जनरल में है, तो आप इन्हीं 3 वैकेंसीज के लिए अप्लाई करोगे और इन्हीं 3 वैकेंसीज के लिए फाइट करोगे, और जो ST में है वो इसी वैकेंसी के लिए फाइट करेंगी यानी कि मेल कैंडिडेट के साथ। तो दोस्तों इसके बाद दूसरे सर्कल की बात करेंगे, यहाँ पे बात है चंबा सर्कल की। अब चंबा सर्कल में टोटल मिला के 13 वैकेंसीज हैं, इसमें जनरल की 6 वैकेंसीज हैं और इसमें भी यहाँ पे होमगार्ड एक्स सर्विस मैन में बताया गया है, 3 टाइप की है यानी कि जनरल, होमगार्ड, एक्स सर्विस मैन। इसमें अनुसूचित जाति की यानी कि SC की 3 है, ST की 1 है, OBC की 2 वैकेंसीज हैं और EWS की 1 वैकेंसीज है। टोटल मिला के 13 वैकेंसीज हैं चंबा सर्कल में। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं मंडी सर्कल की। तो मंडी में है टोटल 4 वैकेंसीज, और 4 वैकेंसीज में यहाँ पे सामान्य के लिए एक भी वैकेंसीज नहीं है, यानी कि किसी भी कैटेगरी में सामान्य की कोई भी, जनरल की कोई भी वैकेंसीज नहीं है। और इसके बाद है SC की, SC की 1 वैकेंसी है टोटल, और वो भी आपकी एक्स सर्विस मैन के लिए रिजर्व है। और अनुसूचित जनजाति यानी कि ST के लिए कोई वैकेंसीज नहीं है मंडी में, और OBC में है एक वैकेंसी, OBC जनरल में, यानी कि OBC जो कि एक्स सर्विस मैन, होमगार्ड कोई भी नहीं है, उसके लिए एक वैकेंसीज है। EWS में 2 वैकेंसीज है, यानी कि 2 वैकेंसी EWS वाले अप्लाई कर सकते हैं, और EWS चलेगा यहाँ पे हिमाचल वाला, जो हिमाचल वाला क्राइटेरिया है दोस्तों वही क्राइटेरिया चलेगा, 4 लाख वाला, जिसकी वीडियो हमने बनाई है और सर्टिफिकेट कैसे बनाना है उसकी जानकारी भी आपको उसमें दी गई है, तो उस वीडियो की को जरूर देखें और EWS का सर्टिफिकेट बना के ही अप्लाई करें मंडी सर्कल वाले। उसके बाद बात करेंगे कुल्लू सर्कल की। कुल्लू सर्कल में 13 वैकेंसीज हैं टोटल कुल मिला के। तो जनरल की यहाँ पे 5 है जनरल, और खेल कूद यानी कि स्पोर्ट्स कोटा में नहीं है, एक्स सर्विस मैन की 1 वैकेंसीज है और होमगार्ड की 1 है, और EWS यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग लिखा है इन्होंने, तो इसका मतलब है इकोनॉमिकली बिकर सेक्शन यानी कि 1 वैकेंसी है। टोटल मिला के 8 वैकेंसीज हैं जनरल की कुल्लू में। अब अनुसूचित जाति, उसकी टोटल 2 वैकेंसीज हैं यहाँ पे, अनुसूचित जनजाति में कोई भी वैकेंसीज नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग में 3 है, तो टोटल मिला के कुल्लू में 13 वैकेंसीज हैं। इसके बाद बात करेंगे बिलासपुर सर्कल की। बिलासपुर सर्कल में है टोटल 11 वैकेंसीज। अब 11 वैकेंसी में सबसे पहले आता है जनरल, जनरल में अनरिजर्व जो है 5 है, अगर जनरल एक्स सर्विस मैन है तो 1 वैकेंसीज है, होमगार्ड के लिए 1 वैकेंसीज है, तो टोटल 7 है, और SC कैंडिडेट के लिए 2 वैकेंसीज हैं, और जो ST कैंडिडेट है उसके लिए 1 वैकेंसीज है, और जो EWS है यानी कि इकोनॉमिकल बिकर सेक्शन है उसके लिए 1 वैकेंसीज है, और टोटल मिला के 11 वैकेंसी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप दूसरे से इसमें दूसरे अगर सर्कल में अप्लाई करते हैं तो आपको उसी सर्कल में ही रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप दूसरे सर्कल में फिर ट्रांसफर लेंगे। आप अगर कुल्लू मंडी के हैं, बिलासपुर में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको बिलासपुर में अप्लाई कर सकते हो और आपको वहीं पे अपनी सेवाएं देनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों अप्लाई कैसे करना है, इसका मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, ये वाला जो वेबसाइट है वो खुल जाएगी, यहाँ पे आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। हमने अभी 5 जो सर्कल है उनकी वैकेंसी बताई आपको, बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कुल्लू, मंडी, और जो साउथ शिमला है इसका जो डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे आ रहा है उसमें एरर आ रही है,
तो उसकी वजह से हम आपको यहाँ पे वैकेंसी नहीं बता पा रहे हैं। तो इसकी वैकेंसी आप खुद भी देख सकते हो, इस जो वेबसाइट का लिंक है आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्ट वहाँ पे जा सकते हो। तो दोस्तों इसके बावजूद आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है यहाँ पे। ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है उसके लिए आपको यहाँ पे यूज़र रजिस्ट्रेशन पे जाना है, उसका भी मैं आपको अभी लास्ट में थोड़ा बता दूंगा कि कैसे करना है। उसके बाद थोड़ी सी और जानकारी, जो कि बहुत सारे कमेंट कर रहे थे लोग कि भर्ती की जो प्रोसीजर है कैसे रहेगा, इसमें दोस्तों मैं बता दूं, शारीरिक दक्षता परीक्षण होता है, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, वो होता है केवल उत्तीर्ण योग्य, यानी कि क्वालिफाई इन नेचर, उसका कोई भी कहीं भी लेना देना कुछ नहीं है, आपको बस क्वालिफाई करना है वो बस। उसके बाद आता है आपका रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन होगा 85 मार्क्स का, जिसमें कि MCQ रहते हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसके कि चार ऑप्शन रहेंगे। उसके बाद आता है व्यक्तिगत मूल्यांकन, इसमें 15 मार्क्स रहेंगे। व्यक्तिगत मूल्यांकन क्या होता है दोस्तों, इसमें बहुत सारे आपके सर्टिफिकेट और बहुत सारे सर्टिफिकेट देखे जाते हैं, जैसे कि आप अगर बैकवर्ड क्लास है या कुछ भी है, लो इनकम है, उसके बेस पे यहाँ पे 15 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उसकी भी यहाँ पे डिटेल आपको मिल जाएगी, जो एडवर्टाइजमेंट है उसकी हम पूरी जानकारी नहीं देंगे, क्योंकि उसमें 1 मार्क्स, 0.5 मार्क्स, 2 मार्क्स, इसकी बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने किया है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा उसके लिए क्या मापदंड चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी है, तो लंबाई होनी चाहिए पुरुष में, यानी कि बॉयज़ की 165 सेंटीमीटर, और महिला की, गर्ल्स की 150 सेंटीमीटर, और जो अनुसूचित जनजाति यानी कि ST वर्ग है उसको 5 सेंटीमीटर की छूट है, यानी कि अगर आप ST हो तो आपको 160 सेंटीमीटर बॉयज़ में और 145 सेंटीमीटर महिला में चाहिए। उसके बाद यहाँ पे छाती यानी कि चेस्ट का माप भी दिया है, जो आप क्लियरली देख सकते हो वीडियो को पॉज करके, यहाँ पे इसके ST कैंडिडेट के लिए भी 4 सेंटीमीटर की छूट दी है। अब आपको उसके साथ ही, ये तो आपका फिजिकल होना चाहिए, और उसके बाद जो टेस्ट लिया जाएगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, तो यहाँ पे 100 मीटर की दौड़ होगी सबसे पहले, जो 14 सेकेंड में बॉयज़ को कंप्लीट करनी है, और महिलाओं को 17 सेकेंड में। उसके बाद 800 मीटर की दौड़ है, वो 2 मिनट 45 सेकेंड में आपको कंप्लीट करना है बॉयज़ को, और गर्ल्स को 4 मिनट 15 सेकेंड में। और इसको जो ऊंची कूद है यानी कि हाई जंप होगा, वो 1.25 मीटर, और गर्ल्स के लिए 1 मीटर, उसमें 3 आपको चांस मिलेंगे हाई जंप में। और लंबी कूद यानी कि लॉन्ग जंप में 4 मीटर आपको करना पड़ेगा, इसमें कूदना पड़ेगा, और जो गर्ल्स हैं उसको उनको 3 मीटर कूदना पड़ेगा, तो 3 अवसर दिए जाएंगे। और जो 100 और 800 मीटर की दौड़ रहेगी उसमें सिर्फ एक ही अवसर मिलेगा, अगर आप वो पूरा नहीं कर पाते हैं तो आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। आपको सिर्फ यही कंप्लीट करना है, उसके बाद आपकी सिर्फ रिटन एग्जाम होगा। तो दोस्तों इसमें इतना ही, और अब आपको अप्लाई ऑनलाइन कैसे करना है उसका मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। यहाँ पे हमने एक लिंक ओपन किया है, ये लिंक है यहाँ पे, ये वेबसाइट आपकी खुलेगी, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अप्लाई ऑनलाइन करना है तो आपको, अगर एग्जिस्टिंग यूज़र है तो आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, अगर आपने पहले भी अप्लाई किया है अगर तो आपकी डिटेल यहाँ पे सेव रहेगी। अगर आप न्यू यूज़र है तो यूज़र रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है यहाँ पे, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। उसके बाद ये आपका फॉर्म खुलेगा। अब कैसे अप्लाई करना है, सबसे पहले HP फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। अब सर्कल सेलेक्ट करना है दोस्तों। अब इस सर्कल में आप कोई भी सर्कल सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैं मंडी सर्कल सेलेक्ट करता हूँ, मंडी सर्कल मैंने सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल सकते हो, ऑप्शनल है, नहीं डालोगे तब भी चलेगा। अब आपको यहाँ पे मिस्टर मिस, जैसे मेरा नाम है मिस्टर, तो मैं यहाँ पे अपना नाम XYZ लिखूंगा, XYZ जैसा भी आपका नाम है, मेल, मैं अपना जेंडर अपना लिखूंगा जो भी है, और कैटेगरी जैसे कि जनरल ST, ST OBC जो भी आपकी कैटेगरी है वो। उसके बाद सब कैटेगरी, सब कैटेगरी अगर मैं EWS में हूँ, अनरिजर्व यानी कोई भी कैटेगरी है, जैसे कि यहाँ पे मंडी में कोई वैकेंसी नहीं होगी EWS की, तो यहाँ पे इन्होंने नहीं दिया है, तो अनरिजर्व मैं डाल रहा हूँ। यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ डालूंगा जो भी मेरी रहेगी, जैसे कि कोई भी, मैं डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैं डाल रहा हूँ 1994 फरवरी 7, ये मैंने डाल दी। इसके बाद मैं अपनी ईमेल आईडी डालूंगा जो भी है, @gmail.com। उसके बाद मोबाइल नंबर डालूंगा कोई भी है 10 नंबर का। उसके बाद मैं पासवर्ड क्रिएट करूंगा दोस्तों, ये पासवर्ड क्रिएट होगा
और आपको ये लॉगिन जब आप बाद में करोगे तो उसके लिए ज़रूरी है, जैसे कि कोई भी पासवर्ड आप यहाँ पे डाल दो और यहाँ पे क्रिएट यूज़र, क्रिएट यूज़र आपका हो जाएगा, उसके बाद आपको लॉगिन करके अपनी जो डिटेल है, क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ डालना है। तो हम यहीं तक आपको बता सकते हैं क्योंकि हमने ये फॉर्म अभी फिल नहीं किया है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें बता सकते हो, हम कमेंट में आपका पूरी तरह से इसमें रिप्लाई करेंगे कि कैसे आपको करना है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर ये वीडियो आपको सही अच्छी लगे और जानकारी वाली लगे तो हमारा चैनल लाइक और शेयर करें ताकि ये जानकारी सबको मिले। धन्यवाद।